हाय गाइस, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक इक्विटी चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप इन्फिनिक्स GT20 Pro 5G में वॉलपेपर चेंज सेटिंग कैसे करेंगे। सो गाइस, चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको सेटिंग देना है। सो गाइस, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको थीम एंड लॉक स्क्रीन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको माय वॉलपेपर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स आपके फोन के सारे वॉलपेपर्स दे रखे हैं। आप अपने फोन का वॉलपेपर चेंज करके दूसरा वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी गैलरी में से कोई वॉलपेपर सेट करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है गैलरी का, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से फ्रेंड्स आप वो वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको अपने फोन का वॉलपेपर चेंज करना है तो यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फ्रेंड्स मैंने इस वॉलपेपर को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। जैसे गाइस यहाँ पे आप अपने वॉलपेपर को दोनों होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पे सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बोथ पे क्लिक करना है। और अगर आपको लॉक स्क्रीन पे सेट करना है तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पे क्लिक करना है। और अगर आपको होम स्क्रीन पे सेट करना है तो गाइस आपको होम स्क्रीन पे क्लिक करना है। सो गाइस मैं होम स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप गाइस देख रहे हैं मेरा वॉलपेपर मेरे होम स्क्रीन पे सेट हो गया है। सो गाइस इस तरीके से आप वॉलपेपर चेंज सेटिंग कर सकते हैं। और गाइज आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और गाइज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।